हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका होस्ट कुमेल अज़ार। गाइस, आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन एंड विदाउट एनी प्रीमियम अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी आपको फोटो एडिटिंग करनी होती है, अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट अपलोड करनी होती है, या अगर आपको चैनल अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई भी आपको चैनल आर्ट थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, यानी कि उसका वाइटिश होता है या डिज़ाइनिंग में उसका बैकग्राउंड होता है। तो आप चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ के बाकी उसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करें, लेकिन आप जब कभी भी किसी भी वेबसाइट से रिमूव करते हैं, आपकी इमेज की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, आप अपनी इमेज को क्लियर डाउनलोड नहीं कर पाते रिमूव करने के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मसाइल आपने ऐसी वेबसाइट से देखे होंगे जो आपने किसी ऐसी वेबसाइट से फाइंड किए हैं जो बहुत ही अनऑफिशियल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि तीन ऐसी वेबसाइट ऑफिशियल बताने वाला हूँ जो आपकी इमेज के बैकग्राउंड को बिल्कुल टोटली फ्री आपको रिमूव करके देंगी, और आप उनको जहाँ चाहें विदाउट एनी एट्रीब्यूशन एंड विदाउट लूजिंग एनी इमेज क्वालिटी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देर किस वक्त की है, अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें, ताकि ऐसी मेरी मज़ेदार वीडियोज आप तक लगातार पहुँचती रहें जब भी मैं अपलोड करूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वेलकम बैक। तो गाइज, अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी इमेज टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, इस आदमी का जो बैकग्राउंड है मुझे इसको रिमूव करना है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इस आदमी को करना है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है। तो अभी उसके लिए सबसे पहले मैं थर्ड नंबर पर जो वेबसाइट मैंने रखी है उसका नाम है slazer.com। तो अभी सबसे पहले हम उसको ओपन करेंगे और उसमें टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड इमेज कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोसेस हो रही है इमेज, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे ओरिजिनल इमेज, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड। देखा आपने यहाँ पे कैसे हमारा बासानी हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। तो गाइस, इसी तरह आप भी अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो इसको बुकमार्क भी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको HD में डाउनलोड करना है तो आपको अपने अकाउंट से साइन इन करना होगा, उसके बाद आपको 2 से 3 ट्रायल आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के, ठीक है। तो अभी सेकेंड नंबर वेबसाइट की तरफ चलते हैं और इसी इमेज को मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो अभी सेकेंड नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम है removal.ai, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, उस लिंक पे जाके, ठीक है। यहाँ पे removal.ai, जैसे ही आप URL टैब में लिखेंगे यहाँ पे इसका स्क्रीन इंटरफेस के पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अभी मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, इसके बाद इसका बैकग्राउंड ये भी रिमूव कर देगा, ठीक है। और फाइनली हमारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे ओरिजिनल और रिमूव बैकग्राउंड को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी इमेज जो है उसको इस वेबसाइट ने कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, कितनी साफ सफाई से किया, आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे डाउनलोड इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो डाउनलोड हाई क्वालिटी कर लें, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना होगा, यानी आपको कुछ पेड वगैरह आपको कुछ करना होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप जितनी हाई रेजोल्यूशन इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उतनी इमेज आपको ये डाउनलोड करने के लिए फ्री में आपको ऑप्शन देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो ये सर भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, removal.ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से। तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो वेबसाइट आती है तो हम उसको यूज़ करके देखते हैं इसी पिक्चर के साथ, ठीक है। और अभी सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी सॉरी, फर्स्ट नंबर पे, पहले थर्ड, सेकेंड, अभी फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर पर मैंने वेबसाइट जो रखी है उसका नाम है remove.bg। जी हाँ दोस्तों, यानी remove.background है जो वेबसाइट है, ये बहुत ही मशहूर फेमस है इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी इमेज को अपलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, और उसके अलावा आपको एक और इमेज को भी आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे अपलोड हो रही है और आपने देखा कितनी जल्दी इसने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया बिल्कुल क्लियरली। वाओ, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ओरिजिनल और रिमूव बैकग्राउंड को आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपकी इमेज को इसने उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है, ठीक है, इस वेबसाइट ने। तो अब यहाँ पे आप इनको रेट रिजल्ट इनको रेटिंग दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एडिट पे आके यहाँ पे अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे बैकग्राउंड पे आऊंगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस पे। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कैसे इस इमेज का बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया और मैंने इमेज का बैकग्राउंड जो है वो चेंज भी कर लिया। आप चाहें तो इस इमेज का बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं कोई डिज़ाइन रख के, या आप चाहें तो इसको क्लियरली आप शो भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपने इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ पे इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं इमेज का सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करूँ तो उसके लिए आपको सिर्फ इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। उसके बाद ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी इजीली। तो मैं अभी यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव, और यहाँ पे मेरी पिक्चर आ चुकी है। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैं इस पिक्चर को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इस पिक्चर को अपनी फोटो एडिटिंग के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए और किसी में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। आप भी चाहें तो ऐसे ही किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और आप चाहें, आपने देखा मैंने कैसे फ्री में आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया। आप चाहें तो किसी और पिक्चर का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वेबसाइट इन तीनों वेबसाइट का बेनिफिट उठा सकें। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज आप तक पहुँचती रहें जब भी मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा दूसरी ऐसी मज़ेदार और कंप्यूटर टेक की वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।